इन्फो फॉर पेशेंट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद अब्बास है। अब लाइपोसक्शन मेरे ख्याल में वेरी कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर नो डेज लाइपोसक्शन। तो लाइपोसक्शन हमारे पास पेशेंट आते हैं जी, डिफरेंट कैटेगरीज के आते हैं। जो इसमें प्री रिक्विजिट है उसमें कुछ और लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद इट इज़ यूज फॉर वेट रिडक्शन, के हम ये कराएंगे तो वेट कम हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, हम तो सिलेक्शन ही पेशेंट की उसकी करते हैं जिसका वेट विद इन BMI रेंज उसके मुताबिक हो। तो जितना आपका वेट बेहतर होगा वो उतना ही लाइपोसक्शन का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। सपोज अगर किसी का वेट 120 है, 130 है, BMI अबव 30, 35 है, 40, तो उसमें लाइपोसक्शन का कोई इतना एडवांटेज उसको नहीं, क्योंकि लाइपोसक्शन इज फॉर कंटूरिंग, यानी कि बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यू कैन गिव अ बेटर शेप आप लाइपोसक्शन करके, जबकि इट इज़ नॉट अ वेट रिडक्शन सर्जरी, कि आप इससे वेट को हो सके कम ना कर सके। हाँ, फीमेल में जब आप करते हैं तो उनमें मे बी आफ्टर मंथ और सो कुछ वेट लूज होता है, तो हमने जो देखा है मेल्स में यूजली अगर वेरी नेक्स्ट डे भी करेंगे तो हो सकता है वेट सेम हो। हाँ, शेप इसमें ज़रूर बात। तो सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट और पेशेंट की डिज़ायर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने किस एरिया का लाइपोसक्शन कराना है और उसके क्या जो जहन में उसके मतलूबा वो रिजल्ट चाहते हैं वो क्या है। तो जिस तरह इसमें मेन उनके लिए यही है, आप कह लें पैगाम कह लें, या कि पहले अपने गोल थोड़े से सेट होने चाहिए जी, कि सपोज बाकी बॉडी ठीक है, ओनली एब्डोमेन इज लिटिल बिट प्रोट्रूबरेंट, थोड़ा सा बाहर आ रहा है और देयर इज अ फैट ओवर द एब्डोमेन, तो इससे लाइपोसक्शन से आप बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह थाइस की फैट, आर्म्स की, बैक की, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। शेप तो बन सकती है, और अच्छी शेप बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि आप उससे पहले वेट ज़रा अपनी हाइट के मुताबिक उस BMI रेंज में ज़रा लें, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रिजल्ट और कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। अगर पेशेंट डायबिटिक हैं, बहुत ज़्यादा बीज हैं, तो उनमें इन्फेक्शन का भी चांस होता है और फिर रिजल्ट भी, हाँ थोड़ी सी डी बल्किंग तो हो जाती है लेकिन हो सकता है वो रिजल्ट प्रॉपर ना आए। एक और चीज़ है कि जिस एरिया की लाइपोसक्शन आप करवा रहे हैं स्किन जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। बाद स्किन ज़रा लूज़ होती है और पेशेंट के जहन में होता है कि उससे लाइपोसक्शन हो तो ये स्किन बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाए, और हाँ नो डाउट अगर स्किन अच्छी क्वालिटी की और बहुत ज़्यादा स्किन लूज नहीं है, रिडंडेंट नहीं है, लटक नहीं रही, तो उसमें अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अगर स्किन लूज है, थिन है, तो फिर हो सकता है वो लाइपोसक्शन से फैट तो चली जाए लेकिन उसका स्किन लटक जाए थोड़ी सी, उसमें बाद रिंकल्स भी बन जाते हैं, तो वो एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए। बाकी ये डिसीजन व्हेन टू गो फॉर लाइपोसक्शन एंड फॉर होम, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यूजली हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं जी, और लोकल में भी, अगर बहुत छोटा एरिया तो लोकल में भी आप लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और उसके मुताबिक फिर हाँ जो हाँ हम कितना निकाल सकते हैं जी, ये 5 to 6 liters होता है जो मैक्सिमम, इसके लिए एक लिमिट इंटरनेशनल सेट की गई है कि आप 5 से 6 liters निकाल दें और इससे ऊपर ना जाए, उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये था जी लिटिल बिट अबाउट लाइपोसक्शन, डिटेल में हम कभी बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे।